हरीन जी अम्मी। बेटा वो मुझे ऑनलाइन कैब मंगवा दो, अमरीन को डॉक्टर के पास लेकर जाना। अम्मी लेकिन आप कैब में क्यों जाएंगी? हाँ तो क्या करो, जीशान जाएगा नहीं और मैं उसे मजबूर भी नहीं कर सकती। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, आई एम सॉरी लेकिन वाकई मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। जो कुछ हुआ है उसके बाद मैं और शाजमा भाभी से दूर रहें तो ही बेहतर है। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मैंने हमेशा भाभी पर यकीन किया, अपनी बीवी पर नहीं किया। और अम्मी आज अगर मुलाजमा वहां मौजूद ना होती और कल रात मैंने भाभी की बातें ना सुनी होती तो आज हम सब शाजमा को इल्जाम दे रहे होते, उसी को गलत समझ रहे होते। अम्मी बहुत बेइज्जती करवा ली मैंने अपनी बीवी की, मगर अब नहीं। और मैं मानता हूं कि अफान भाई यहां मौजूद नहीं है, मेरा भी कोई फर्ज बनता। फाइनेंशियली जितनी भी जरूरत होगी मैं मौजूद हूं, लेकिन इसके अलावा आप प्लीज मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। मैं खुद भी अब भाभी के सामने नहीं आना चाहता। आपसे कोई बात नहीं बेटा, तुम भी अपनी जगह ठीक हो, इसीलिए तुम्हें मैंने मजबूर नहीं किया। अपने ऑफिस जाओ, काम करो, मैं मैनेज कर लूंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जल्दी मिलाओ ना। मैं वही बस लोकेशन डाल रही हूँ।